ध्यान से देखना इस पेंसिल को गाइस, ध्यान से। इसके ऊपर ब्लैक क्या होता है, पेंट। पेंट। अच्छा, ये देखो, एक कार्टून आता था, पोपाय द शो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल चंचल चॉइस व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि 5-6 दिन हो गया फिर से व्लॉग नहीं आया, तो मैं ना बजाज साहब से पता क्या कह रही थी, मैं क्या कि हर बार यही कहते हैं कि अब रूटीन ही टूटे, कि अब रूटीन पर ना कोई ना काम फिर से। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, बहुत बड़े मेहमान आने वाले हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन है वो। साक्षात भगवान आ रहे हैं हमारे घर, गणपति भगवान, गणपति महाराज। तो गाइस, बहुत ही खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं और बजाज साहब कह रहे थे कि परमात्मा बस अपना हाथ हम पे बनाए रखना, सारे कार्य अच्छे अच्छे से हो जाएं। तो गाइस, मैं आज आपको बताती हूँ कि उनकी तैयारियाँ चल रही हैं, उनके स्वागत के, उनके आने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस रूटीन इसलिए थोड़ी सी ऐसे कि रोज़ आना जाना। तो मैं बजाज साहब को कह रही थी कि चलो अब ना अपने सब्सक्राइबर को, अपनी फैमिली को दिखाते हैं कि हम क्या तैयारियाँ कर रहे हैं अपने भगवान के आने की। तो गाइस, मैं आप सबको भी आमंत्रित करती हूँ, आप भी दर्शन करना, मैं दर्शन आपको भी सबको करवाएंगे। तो 31 अगस्त को भगवान हमारे घर आ रहे हैं और सबको मैंने आमंत्रित कर दिया है। तो बहुत खुशी हो रही है, खुशी के साथ साथ बड़ी घबराहट भी हो रही है। तो ये रहे बजाज साहब। हेलो बजाज साहब, हो रही ना खुशी? तो बहुत ज्यादा हो रही ना। आज मैं क्या, चलो आज बता देते हैं अपनी फैमिली को कि हमारे घर कौन आ रहे हैं, किस चीज की तैयारियां चल रही हैं। तो बजाज साहब चाय पी रहे हैं। तो अभी भी मैं जा रही हूँ बजाज साहब के साथ मार्केट, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, काफी लेट में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस, कल से हो जानी घर की सफाइयां शुरू, कल से बिल्कुल। मैं फिर वो भी सारा मतलब व्लॉग बनाऊंगी। मैं ना अपनी दीदी को भी कह रही थी कि काफी दिन हो गया फिर से व्लॉग नहीं बनाया, तो दीदी कह रहे तो बनाओ शुरू करो। तो बस ऐसे ही कि उठना, उठे, बच्चों को भेजा, सब काम अपने, कभी कपड़े, कभी अलमारियां साफ करने लग पड़े, कभी कुछ करने लग पड़े, कभी स्टोर साफ करने लग पड़े, तो बस टाइम ही नहीं लग रहा था। तो फिर शाम को बजाज साहब के साथ आके बल्कि मार्केट चले जाते थे। तो आज फिर मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम और रह गया है, काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैं बजाज साहब को कह रही थी कि आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग फिर से करने लगी हूँ। मैं बजाज साहब को कह रही थी, रोज कहती हूँ बजाज साहब दिन थोड़े रह गए। अब तो वाकई आज हो गया है थर्सडे, तो गाइस आज हो गया थर्सडे, 25 हो गई है आज। तो 31 को आ रहे हैं भगवान हमारे घर, और वो दिन मेरे और बजाज साहब के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत, जो कि मेरे बहुत ही क्लोज हैं, जो मेरे रिलेटिव जो भी हैं, सबको पता है कि वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वो आपको वो उस ब्लॉग में पता चलेगा। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं मम्मा हमने ये करना है, मम्मा हमने वो करना है। मैंने उनको बोला जो मर्जी करो, जो आपका मन आता है, पर अपनी तरह से होता है कि पूरी तैयारी अच्छे से करें कि किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो गाइज, जब वो व्लॉग आएंगे ना, जब आप देखोगे ना, तो हो सकता है कि दो व्लॉग उस दिन की तब हम डालें। तो कोशिश अपनी यही है, क्योंकि काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। तो आज मैं बल्कि आपको ना सारी तैयारियां दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। तो चलो गाइस, अब मैं चाय, हम चाय पी के तो जा रहे हैं मार्केट। हो सका तो मैं वहां पे भी थोड़ी सी व्लॉगिंग करूंगी, नहीं तो कर। तो गाइस, मैं और बजाज साहब आए हैं मार्केट सामान लेने के लिए। जैसे कि आपको बताया है कि तैयारियां चल रही हैं खूब, तो आज बजाज साहब कह रहे हैं मार्केट चलते हैं, जो जो सामान लाने वाला है वो लेके आते हैं। तो बस अब मार्केट आ गए हैं, तो देखते हैं जो जो सामान लेंगे फिर आपको भी दिखाएंगे। तो पहले उन्हें तो ठीक है,
साइज बड़ा लूज के ठीक है। देखो बोलना है ठीक है ना, क्योंकि अगर दो दो दिन कच भी कुड़ियाँ ही पैनिया ने। ठीक है, मैं ना फोन कर बेला पाती है बारह। हाँ दो बेला पा दो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਜੈ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ गाइज। अब मार्केट से आगे थे, मार्केट से आगे फिर मैंने खाना बनाया। खाना बना के अब सब खाना खा रहे हैं। आरव जा साहब कुंवर, तो कुंवर देखना खाना खाते खाते कुंवर क्या कर रहा है साथ साथ दिखाई जरा। ये देखना फोन, साथ में फोन और साथ में खाना खा रहा है। तो बजाज साहब भी खाना खा रहे हैं, आरव भी खाना खा रहे हैं। तो बस अब खाना खा के तो बजाज साहब कह रहे थे कि हाँ जी बोलो आप बोलो। तो बजाज साहब कह रहे थे कि मतलब कि जैसे चाय ना, चाय के साथ खाते हैं हम लोग रस, रस बिस्किट वगैरह खत्म थे तो वो लेके आने हैं, तो वो मिल जाऊंगी, वो भी ले आऊंगी साथ ही जाके। तो चलो क्या हो रहा है तेरे को, मैंने इसके अंदर मारा इतना खाना खा लिया है ना। हां जी फोन कर दे अब बंद, फोन बंद कर दे, सोने की तैयारी है, बस सूरज स्कूल है। ये क्या कर रहा है बता मेरे को, हैं सारे काम तेरे अवल्ले सारे काम। ये क्या डाला है इसमें, टावल। गाइस आपने देखा होगा एक कार्टून आता था पोपाई द शो, तो उसमें वो पोपाई ना वो खाता था स्पिनच खाता था ना, तो हाँ ये देखना वो भी ऐसे करता था सच्ची में कुंवर ये भी। चल निकाल इसको बाहर, निकाल। अच्छा अब सोने का क्या लेना है तूने, हैं पापा से थप्पड़ जो उस दिन लगा था याद है कि नहीं? किस दिन अच्छा भूल गया दूं बस पापा को हैं, कहाँ पे सामने बैठे पापा, पीछे हो गया तेरे को बड़ी पड़नी है। हाँ आ गया याद, बजा था ना एक थप्पड़। तो सोफा कर दे सेट, उसको लगा दे अपनी जगह पे। पीछो के दिखा, फिर पीछो के दिखा, थोड़ी सी दिखा कहाँ पे लगी चोट। तो ये देखना गाइस कह रहा है मेरे को चोट, दिखा तो सही सिर ऊपर कर अपना। ये देखना कह रहा है मेरे को चोट लगी, एक इसको यहाँ पे घुटने पे लगी है और इसको ये लगी पैर पे। काम तो इसको वैसे ही बड़े बल्ले हमारे। अच्छा मेरी बात सुन, अब मेरी तरफ देख, सो जा, ये ना हो आज फिर से एक लगे था। चलो गाइस आरव ना कलप गया, कह रहा मम्मा
कुंवर इतना खलेरा डालता है, इतना सच में सच में। इसने ना बड़े सोफे पे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, अपनी किताबें दिखाती हूँ मैं तेरे को, रुक जा रहा। ओ, उसको डांट पड़ जाती है बड़ा होने के कारण कि आरव सामान उठा दे आरव। ये देखो सोफे को इसने पता नहीं क्या खिडौना बनाया हुआ है कि उसको चारों तरफ घुमाया जा रहा है। वो कल पर है पापा उसके कह रहे हैं कि आरव ये सामान उठा दे, आरव वो सामान उठा दे। आरव कह रहा है पापा वो बहुत वो डालता है तो आप कहते मेरे को। तो चलो गाइस ये चलते रहे ना, इनका ये रोज का ही होता है, ये आज नहीं रोज का ही होता है। तो मैंने जैसे उनकी चाय के साथ रस वगैरह खत्म थे, केक खत्म था, वो मैं लेके आ गई हूँ। तो गाइस रस केक और फैन, फैन ये केक है, भैया कह रहे थे बहुत ज्यादा टेस्ट है, इसके हम तीन फ्लेवर लेके आए थे। ये है एक है एगलेस, वो ना चॉकलेट फ्लेवर था गाइस, इतना टेस्टी था कि इन्होंने बच्चों ने आते ही बजाय सब बासियां मार रहे हैं। जैसे नींद आ गई है ये वो देखना, आरव करिए ये देखना फोन पकड़े है। मैं गाइस मैं आपको हर चीज दिखाऊंगी कि ये करते क्या है। वो देखो इसको बोला है सामान उठा, कह रहा है नहीं, बजाय सब बासियां मार रहे हैं, सामान मेरे पास रख दिया लाके, लिफाफा मैंने वहां रखा, लो जी वो देखो। तो गाइस अब मैं ना आपको एक और चीज बताऊं, गणेश जी की प्रतिमा हम बुक करवाए हैं, दर्शन हम आपको 31 अगस्त को करवाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने वीडियो नहीं बनाई तो बहुत ही प्यारी। मैं आपको एक और चीज, चलो इसकी भी देख लो आप क्या लेके। ये तो मेरी बैटरी है ना, इसके अंदर देखो ये है एक पेंसिल। अच्छा मुझे ना मामा लेजर का ना 2 गर्ल्स बनाए थे, मैंने उससे ना हथौड़ा बनाया, बड़ा मजा आया था मेरे को। मामा दिखाऊं मैं आपको कैसे बनाया? बजाज साहब देख रहे हैं गुस्सा आ रहा है। ये देखो गाइस बन गया बजाज। ओ गाइस मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, अपनी पेंसिल दिखाई जरा बेटा, अपनी पेंसिल दिखाई पुत्र, एक पेंसिल दिखा बेटा, एक पेंसिल दिखा ना गाइस। ये ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, रुको ध्यान से देखना इस पेंसिल को गाइस, ध्यान से इसके ऊपर ब्लैक क्या होता है पेंट सारे का सारा इसने स्केच उतार दिया, उतार दिया सारे का सारा बिल्कुल। स्कूल में बैठे देखो बैठे ये लो सुनिए जाओ आप इससे, स्कूल में बैठे बैठे ये काम किया है कि ये तो पेंसिल ये तो शुक्र है अब तो 2-3 दिन पेंसिल चल रही है, वरना इसकी पेंसिल पता कितनी होती थी, सिर्फ इतनी पेंसिल जो मेरे यहाँ तक बस। ये देखो सारे का सारा बंदा पूछे कि स्कूल पढ़ने जाता है कि तू ये पेंसिलें कैसे करने जाता है, तेरे को मैम ने कुछ कहते? कोई नहीं मैं फोन करके मैम को बोलूंगी, फ्री टाइम मैम करते हैं ये। तो अब बस सोने की तैयारी है, खाना का चलो अब बस बेटा सोना, सोने की तैयारी कर, सोने का हथियार है बताना कमेंट में कि कौन सी गेम का हथियार है। ठीक है ठीक है, चलो गाइस अब सोने की तैयारी है। तो अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब आपको मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।